छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के पुराना बस स्टैंड में यात्री प्रतीक्षालय में राज्य परिवहन की बस पहले चलती थी, उसकी टिकट वहां पे काटा जाता था। लेकिन जब से राज्य परिवहन का टिकट काटना बंद हुआ है, तब से यात्री प्रतीक्षालय का कोई देखरेख नहीं होता है और ऐसी परिस्थिति में यात्री इधर उधर घूमते रहते हैं। बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खास तौर पे बरसात और गर्मी में बहुत दिक्कत होती है और खास तौर पे महिलाओं और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा असुविधा होती है बस की इंतजार करते तक। यहाँ कभी भी राजनांदगांव आता हूँ तो कोई बैठे का सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। घाम में रहा, छाँव में रहा, बने प्रतीक्षालय वो तो बहुत गंदा है। मतलब यहाँ जब यात्री लोग आते हैं बैठने के लिए, महिलाएं बच्चे, यहाँ पर गंदगी की वजह से मतलब बैठ नहीं पाते वो लोग। खास तौर से पुरुष लोग ही यहाँ पर यूरिन करते हैं और गोबर ओबर भी यहाँ पर, गाय वाय भी आ जाते हैं बैठते हैं, तो महिलाओं को बहुत असुविधा होती है। इतना गंदगी के कारण यहाँ वहाँ उनको भटकना पड़ता है, पास के होटल में जाते हैं यहीं की खड़े हो जाते हैं बारिश की वजह से। तो यहाँ बहुत मतलब बनवाना, यहाँ गार्ड भी रखना बहुत ज़रूरी है। इस बात को लेकर नगर पंचायत में कभी बात किया गया? अभी यही पास के लोग तो किए हैं बात, पास के लोग आवेदन भी दे चुके हैं, पर वहाँ के लोग तो झाँकने तक मतलब यहाँ पर नहीं है। किसी को असुविधा न हो यात्रीगण को, बारिश में गर्मी में जो भी हो, यहाँ गार्ड रहना जरूरी है और साफ़ सफाई भी अच्छा से होना चाहिए। तो यही चाहते हैं हम लोग सब, साफ़ सफाई हो, किसी को मतलब परेशानी ना हो। इस वीडियो को मैं इसलिए बनाई हूँ कि आए दिन मुझे भी राजनांदगांव पुराना बस स्टैंड से गुजर कर अलग अलग जगह में जाना पड़ता है और बस का इंतज़ार करना पड़ता है। और ऐसी परिस्थिति में यात्री प्रतीक्षालय के गंदगी के वजह से मुझे भी इधर उधर बैठने के लिए जगह ढूंढना पड़ता है। जिला नगर पंचायत CO रोशनी भगत का नंबर है 9685428090। इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ट के लिए।